नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से अमेरिकन एजेंसी नासा ने साइंस का नाश कर दिया है। जी हाँ, नासा के ट्विटर हैंडल से अपने चार उन लोगों के फोटो पोस्ट हुए जिन्होंने नासा में इंटर्नशिप की है, जिसमें कि एक भारतीय महिला भी थी और भारतीय महिला के पीछे कुछ मूर्तियां रखी हुई हैं। ये वही मूर्तियां हैं जिनको आस्था के रूप में श्रद्धावान होकर हिंदू पूजा करते हैं। अब ऐसे में अंबेडकर मिशन से जुड़े एक ट्विटर हैंडल मिशन अंबेडकर ने ट्वीट किया कि किस प्रकार से देखिए अमेरिका की साइंटिस्ट कंपनी नासा ने साइंस का ही नाश कर दिया है। उनका कहना यह था कि जो पीछे मूर्तियां रखी हुई हैं यह तो अंधविश्वास होता है और अंधविश्वास से लैस एक महिला जिसका नाम है प्रतिमा रॉय, वो वहां पर बैठ करके फोटो खिंचवा रही है और नासा उसको प्रमोट कर रहा है। अब इस बात पर बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन इस हैंडल ने जो बात कही है क्या ये सही है और क्या ये जो कह रहे हैं क्या ये बात इनके चरित्र पर भी ज्यों के त्यों खरी उतरती है। आप लोगों को पता है कि मिशन अंबेडकर से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं या फिर भीम के नाम से जितनी भी पार्टियां जितने संगठन बने हुए हैं, वो लोग कहते हैं कि हम भीमराव रामजी अंबेडकर के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। भीमराव रामजी अंबेडकर के पौत्र हैं प्रकाश अंबेडकर, और प्रकाश अंबेडकर की पिछले दिनों हो गई थी तबीयत खराब, और तबीयत खराब होने के बाद में प्रकाश अंबेडकर के पालनकर्ताओं अनुयायियों या अनुगामियों ने जो उनके फॉलोअर्स हैं उन लोगों ने मंदिर में जाकर के दुग्ध अभिषेक किया था ताकि प्रकाश अंबेडकर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अब आप सोचिए कि ये वो लोग हैं जो ट्विटर पर आकर तो हिंदुओं को कोसते हैं, उनको अंधविश्वासी बताते हैं, और दूसरी तरफ अपने लोगों के स्वास्थ्य लाभ के लिए दवाई भले ही ना दें लेकिन दुग्ध अभिषेक जरूर करते हैं। फिर दूसरी तरफ दूसरे किसी हिंदू को देख करके जब वो कहीं दुग्ध अभिषेक करता हुआ भी दिख जाएगा तो पीके जैसी मूवी से प्रेरित होकर के उन लोगों कहेंगे कि देखिए किसी गरीब दलित भूखमरे नंगे कुपोषित बहुजन को दूध ना पिला करके पत्थर के ऊपर दूध डाला जा रहा है। लेकिन प्रकाश अंबेडकर जो खुद को भीमराव रामजी अंबेडकर का सबसे बड़ा अनुगामी कहता है, उनका खुद को DNA मानता है, खुद को उनका पौत्र बताता है, वही अपने भक्तगणों को भेज करके दुग्ध अभिषेक करवाता है। अब यहाँ पर इस डबल स्टैंडर्ड की हद आप स्वयं देख सकते हैं। ये लोग कितने प्रोग्रेसिव हैं, ये लोग कितने बड़े साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अभी तक देश ही नहीं बल्कि दुनिया नहीं पूरे ब्रह्मांड पूरे नीलांड को कितना कुछ दे दिया है इसका हिसाब किताब हम और आप नहीं लगा सकते। एक बार हमने लिखने की कोशिश की थी लेकिन हमें अंदाजा पड़ गया कि पृथ्वी से भी बड़े बड़े ग्रहों पर भी इस तरह की गाथाएँ नहीं लिखी जा सकती, इसी वजह से वो गाथाएँ हमने लिखी भी नहीं। उसमें एक गाथा ही मैं आपको बता सकता हूं और वो है कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट करके इन लोगों ने इनके पूर्वजों ने भारतवर्ष के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। बाकी मैं आपको बता ही चुका हूं कि यह ब्रह्मांड पहले नीलांड होता था लेकिन मनुवादियों ने ब्रह्मा का नाम इसमें बीच में घुसेड़कर इसको नीलांड से ब्रह्मांड बना दिया है। लेकिन दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि नीलांड के सच को हमेशा दबाया गया है। यही नहीं, डेविड बी कोहेन जो कि स्पेस मॉम्स के संस्थापक हैं वो क्या कहते हैं जरा पढ़िए। वो कहते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन इज इन द इंडियन DNA, अर्थात यहां के लोगों के DNA में ही है स्पेस का एक्सप्लोरेशन। और ये बात कहां से आई, ये बात आ जाती है जब कुबेर के यान से पहले रावण उड़ा करता था और उसके बाद में प्रभु श्री राम उसी से ही उड़ करके अयोध्या आए थे। इसी प्रकार से हनुमान जी के विषय में भी बहुत सारी बातें हिंदुओं के ग्रंथों में लिखी हुई हैं, और इसी प्रकार से सबसे पहला वायुयान भी भारतवर्ष में बनाया गया था, इस प्रकार के भी कुछ प्रमाण मिलते हैं। लेकिन फिर भी आपको डेविड बी कोहेन हो या नासा हो इन सब की बात
बातों पर विश्वास नहीं करना, आपको फिर भी नीलांड के प्रचारकों के ऊपर ही विश्वास करना है दोस्तों, क्योंकि उनका सच दबाया जा रहा है। वो दलित हैं, शोषित हैं, गरीब हैं, कुपोषित हैं, और उनके सच को हमेशा से ही दबाया जाता रहा है। वो अलग बात है कि मनुस्मृति के आधार पर पूरे विश्व ने अपने अपने विधान बनाए, संविधान बनाए। सर स्विट्जरलैंड में नटराजन की बहुत बड़ी मूर्ति है। बहुत सारे देशों के अंदर भारतीय आयुर्वेद का प्रचंड डंका बज रहा है। 200 से अधिक देशों ने योग को अपना लिया है। बहुत सारे देशों में संस्कृत पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटीज़ बन चुकी हैं और उनके ऊपर शोध चल रहा है। यही नहीं, मैट्रिक्स जैसी मूवी में भी भारतीय संस्कृत के श्लोक और मंत्रों का गायन होता है। इतना ही नहीं, बहुत सारे विदेशी ऐसे साइंटिस्ट्स हैं जिन्होंने भारतीय ग्रंथों का इस परंपरा का लोहा माना है, जिस पर हम कभी फिर से बात करेंगे। लेकिन फिर भी आपने बात तो नीलांड वालों की ही माननी है, क्योंकि आप सच को दबा नहीं सकते, क्योंकि आप किसी किताब को कॉपी पेस्ट कह करके भले ही वो हो, उनके सच को दबा नहीं सकते। और उसका कारण ये है क्योंकि वो शोषित हैं, कुपोषित हैं, दीन हीन गरीब हैं, और अगर आपने उनको कुछ कह दिया, ब्रह्मांड को ब्रह्मांड कहने की गुस्ताखी कर दी, तो आपको पुलिस घर से ही घसीटते हुए ले जा सकती है। वो अगर डबल स्टैंडर्ड करें, मूर्तियों को गाली दें, फिर भी दूध से मूर्तियों को नहलाएं, तो उनका तो चलता है। लेकिन अगर आपकी आस्था है, आपकी पुस्तकों में लिखा हुआ है, फिर भी अगर आप ऐसा करेंगे तो गाली खाने के लिए हमेशा ही तैयार रहें। अब आस्था की बात आई ही है तो मैं थोड़े से अंधविश्वास के ऊपर भी क्यों ना बोल दूं। हालांकि मुझे गालियां तो पड़ती ही रहती हैं, लेकिन मैं भक्ति के किसी पूजा विशेष के विरुद्ध नहीं हूं, और ये मैं बहुत पहले भी कह चुका हूं। लेकिन इस प्रकार की खबरों के हमेशा मैं विरोध में था, हूं और रहूंगा। क्योंकि यदि आप ये कहते हैं कि हमारे भगवान अधिष्ठाता हैं, परमपिता हैं, परमेश्वर हैं, तो उनको किसी भी प्रकार का लाभ हानि सुख दुख छू नहीं सकता है। स्वयं गीता जी इस बारे में कहती है। लेकिन फिर भी अगर किसी के भगवान को कोरोना होता है, मूर्ति के छाती पर स्टेथोस्कोप लगा करके उसकी धड़कन पढ़ने की कोशिश की जा रही है, तो ये केवल और केवल कोरा अंधविश्वास, मूर्खता ही कहलाएगी। और जो आज डेविड बी कोहेन ये बात कह रहे हैं कि भारतीयों के डीएनए में ही है, वो कहेंगे कल खड़े होकर के कि भारतीयों के डीएनए में ये मूर्खता भी है। पूरे विश्व के अंदर यदि हम इसी तरीके की नॉन साइंटिफिक चीज़ों का प्रमोशन करते रहे, यदि हम अपने यहाँ पर आने वाले भक्तों को इसी प्रकार से मूर्ख बनाते रहे, उनको इसी प्रकार से इलॉजिक्स में धकेलते रहे, तो आप लोगों की विश्व में केवल और केवल थूथू ही हो सकती है। हमारे पास में शोध के लिए बहुत सारी पुस्तकें हैं, पढ़ने हेतु बहुत सारी पुस्तकें हैं, तर्कशास्त्र हैं, हमारे पास में साइंस के अथाह भंडार हैं। हम उनको ना पढ़ करके पूरे विश्व के अंदर ऐसी जितनी भी मान्यताएं हैं उनको बढ़ावा देकर थू-थू ना करवाएं। क्योंकि आपको ही पता है कि ईसाई हो चाहे कसाई हो, धर्मांतरण मतांतरण यही कहकर करवाते हैं कि आपके भगवान आपकी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो खुद सर्दी जुखाम बुखार और कोरोना से अपनी रक्षा नहीं कर पाते, तुम्हारी तो रक्षा ही क्या खाक कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ब्रह्मांड को नीलांड बनाने, भारत के बहुसंख्यक लोगों को खदेड़कर यूरेशिया पहुँचाने, और एक तरफ खुद अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए शिवलिंग पर दूध चढ़ाने वाले तथा नासा में इंटर्नशिप करने वाले लोगों को कोसने वाले लोगों के विषय में यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।